नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th of January 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सके तो आप जा सकते हैं abhishan.co.in पर, जहां पर आपको WBCS, बैंक, SSC, रेलवे, जितने भी हमारे कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी की डिटेल आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऐप पर जाकर भी उन सभी दोस्तों डिटेल्स को फॉलो अप ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं बहुत इजीली मिनिमल प्राइसेस के ऊपर। और साथ ही साथ आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियोज को भी हमारी ऐप पर बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप हमारे YouTube चैनल पर करते हैं उसी तरीके से आप ऐप पर भी इसे पा सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। तो बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसे अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि जब आप एग्जाम में बैठे दोस्तों तो आप उन बुलेट पॉइंट्स को गो थ्रू करें ताकि आपके रिविजन में आपको सुविधा हो, राइट। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन के पहले न्यूज की तरफ, और पहले न्यूज के साथ साथ उसके एमसीक्यू पर कैसे हमें वर्क करना है उस पर भी हम बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहां पर चलते हैं पहले न्यूज की तरफ, और पहला न्यूज है यूएई नेम्स ऑयल चीफ टू हेड COP28 क्लाइमेट टॉक्स, राइट। तो यहां पर दोस्तों यूएई ने, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहां पर एक टेक्नोक्रेट यहां पर लेकर आए हैं, ठीक है, ऑयल चीफ हेड करेंगे क्लाइमेट टॉक्स की बात यहां पर रहेगी, ठीक है। तो इस पूरी बात को हम समझते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या यहाँ पर बोलना चाहता है दोस्तों, ताकि हम उस पर क्या कर सके, आगे वर्क कर सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो रही है कि ये यूएई की बात है, तो एक इंटरनेशनल अफेयर्स की तरह हमारे सामने यहाँ पर आया है, तो इसे आप एक तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये क्या है इसमें पढ़ते हैं, तो यूएई हैज नेम्ड अ वेटरन टेक्नोक्रेट हु बोथ लीड्स अबू धाबी स्टेट रन ऑयल कंपनी एंड ओवरसीज इट्स रिन्यूएबल एनर्जी एफर्ट्स to preside over the upcoming United Nations climate negotiations in Dubai. Emirati authorities nominated Sultan Al Jaber as confidant of UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, who serves CEO of Abu Dhabi National Oil Company. Right? So, यहाँ पर basically जितने भी climate negotiation आपको पता है कि UAE में सबसे ज़्यादा oil production है, right? आपको पता ही होगा। और उसके द्वारा जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां के लोग, या फिर जो भी है, जैसे अल जफर वर्म्स का 4 मिलियन बैरल्स है जो क्रूड ऑयल यहाँ पर डेली 5 मिलियन का एक्सपांड वहां पर रहता है, तो बहुत बड़ी चीज है और उसके ऊपर यहाँ पर टॉक किया गया है। बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ये आपको समझ नहीं होगी। 50 बिलियन का दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट रन किया उन्होंने अभी, ठीक है। और ये जो 50 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर रहेगा, ये बात मैं आपको बता दूं, ये आगे आने वाली खबर है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 22 बिलियन का यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है जो कि कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स में क्वेश्चन यहाँ पर बना सकती है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, Who among the following war was named as president of COP28 climate conference? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, सुल्तान अल जबेर, ठीक है, सुल्तान अल जबेर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। NCLT gives approval for merger of multiplex operators PVR and INOX, right? तो यहाँ पर दोस्तों INOX, हम हमेशा दोस्तों INOX जाते हैं मूवीज देखने के लिए, PVR जाते हैं मूवीज देखने के लिए, काफी हमने सुना इन दोनों का नाम यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर NCLT ने क्या किया है, NCLT ने ये बात बिल्कुल अप्रूव कर दी है कि आप PVR और INOX को अब क्या कर दें, मर्ज कर दें, ठीक है। तो इन अ मेजर बूस्ट टू द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, PVR INOX मर्जर हैज बीन अप्रूव्ड बाय NCLT, जज हैज अप्रूव द स्कीम ऑफ मर्जर इन द वर्बल ऑर्डर। A written order is likely to be passed in next 15-20 days on March 27.
PVR and INOX Leisure announced their merger, and which has already been approved by the respective shareholders, creditors, as well as the leading boards NSE and BSE. Right? तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको PVR और INOX एक ही मर्ज में मिलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों अलग नहीं है, और इसकी पूरी रिटर्न जो ऑर्डर है 15-20 दिन में मिल जाएगा। सब कुछ हाँ हो चुकी है, सारा अप्रूवल हो चुका है, और यहाँ पर दो बड़े मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स का मर्जर होने जा रहा है, PVR और INOX, ठीक है। ये आज के टाइम में हमारी इंडिया के दोस्तों सबसे बड़े दो लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर्स है, जिनका अप्रूवल यहाँ पर हो गया है, और करीबन इनका जो नेटवर्क 1500 करोड़ का नेटवर्क है दोस्तों, 1500 करोड़ का नेटवर्क, और 1500 स्क्रीन है इनकी, और उससे भी ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी, मैं आपको बता दूं कि PVR फॉर 10 शेयर्स ऑफ INOX है, ठीक है। इसका मतलब मुझे आपको समझाना चाहिए डेफिनेटली। एक लाइन यहाँ पर लिखी गई थी दोस्तों इस आर्टिकल में, आप चाहें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो उसको, PVR फॉर 10 शेयर्स ऑफ INOX, ठीक है, INOX। तो PVR फॉर 10 शेयर ऑफ INOX का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उनको हर तीसरे PVR शेयर पर, के हर तीसरे PVR शेयर पर 10 शेयर मिलेंगे किसके, INOX के, राइट। तो ये आप ध्यान रखना, मतलब अगर आपने एक शेयर खरीदा किसका, PVR का, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा INOX का, दूसरा शेयर खरीदा आपने तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, PVR का, और तीसरा अगर PVR का शेयर खरीदते हैं तो उसपे आपको 10 शेयर क्या मिलते हैं, INOX के भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, PVR फॉर 3 शेयर्स फॉर, देखो 3 शेयर्स फॉर PVR फॉर 10 शेयर्स ऑफ INOX, ठीक है। तो ये स्वैप रेशियो हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप रेशियो, शेयर स्वैप रेशियो, ठीक है, आप स्वैप रेशियो बोलो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये सारी इसकी मैथ्स थी जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, तो NCLT अप्रूव द मर्जर ऑफ मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर PVR विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्निवल सिनेमास, KSS लिमिटेड, SRS सिनेमास और INOX। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका INOX, ठीक है। आगे चलते हैं, OneWeb launches 40 SpaceX satellites to start global services this year. क्या है दोस्तों ये, इसकी बात करते हैं, आपको डेप्थ में इसको समझाएंगे बिल्कुल, ताकि आपके एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसे दोस्तों वहां पर क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सही अटेम्प्ट आपसे वहां पर लें। तो एयरटेल बैंक OneWeb successfully launched and deployed 40 satellites on board a SpaceX launcher. This was UK-based satellite network provider 16 successful launch, bringing the total number of satellites in its low Earth orbit constellation and satellites up to 542. Right? तो SpaceX तो दोस्तों आपको पता है, ठीक है, Elon Musk की कंपनी, आपको मालूम है ये बात। और यहाँ पर दोस्तों जो OneWeb है, जो कि backed है Airtel के द्वारा, उन्होंने यहाँ पर 40 SpaceX सैटेलाइट को क्या किया है दोस्तों, लॉन्च करने की कोशिश की है, ठीक है। इसी के साथ साथ OneWeb के सीईओ का नाम है नील मास्टरॉन, ठीक है, और फाउंड ही किया गया था 2012 में OneWeb, ठीक है। तो ये भी आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। हालांकि इनका जो इस बार का जो मोटिव है वो कम ऑनलाइन सून है, तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस बार भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो OneWeb successfully launched and deployed 40 satellites on board a SpaceX launcher. OneWeb is backed by which of the following telecom companies? तो ये करेक्ट हो जाएगा भारती एयरटेल। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 7th Armed Forces Veteran Day celebrates on 14th of January 2023. The Armed Forces Veteran Day is celebrated on 14th of January, and the first Indian Commander in Chief of Indian Army फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, who led the Indian forces to victory in 1947 war, had formally retired from the services. The day is celebrated as Armed Force Veteran Day and dedicated to our esteemed veterans. Right? तो यहाँ पर दोस्तों वेतरन डे, ठीक है, यहाँ पर वेतरन डे आपका कब मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाएगा। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे दोस्तों आपका पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको डेट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
आर्म फोर्सेस वेटरन डे यहाँ पर कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आप लोग का 14th of January, राइट 14th of January, सिंपल है, बहुत इजी है, आप इसे क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर क्या बोलते हैं देखते हैं, 75th इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15th of January 2023। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, कब, 15 जनवरी 2023 को। और कौन सा एडिशन है, तो 75th एडिशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। Every year on January 15, India celebrates its Army Day and it is the day on which Field Marshal Kodoran M. Karyappa took over the first Commander-in-Chief of Indian Army as the last British Commander-in-Chief of India, right? तो simple है, यहाँ पर इसका क्या है दोस्तों motive, service before self is the motto. The Indian Army is the largest component of Indian Armed Force. राइट तो ये ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग चीज है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें, इसे हमें क्या करना है, साथ लेकर चलना है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपका दोस्तों डेट पे बन सकता है या फिर इस पर एडिशन दिया गया है तो एडिशन पर बन सकता है, ठीक है। तो एडिशन पर क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है वो मैंने एक आपको फॉर्मेट यहाँ पर बता दिया है। तो 15 जनवरी को होने वाला इंडियन आर्मी डे, इसका 2023 में कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है, तो 75th एडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। हालांकि मोटो पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और इफ इन केस किसी ईयर पर थीम दे दी गई हो तो थीम भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बिगिंस इन कटक, ठीक है। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हैज बिगन विद अ स्पेक्टेक्युलर ओपनिंग सेरेमनी एट अ पिचेस को बाबती Stadium in Cuttack that was witnessed by thousands of hockey lovers in attendance from across the country and abroad. Union Sports Minister Anurag Thakur, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik and International Hockey Federation President Tayyab Ikram and Hockey India Chairman Dilip Tirke were present at the glittering ceremony. 16 teams were participating in the global tournament, right? So, yahan par dosto, men's hockey team, theek hai? Men's hockey team चालू हो चुका है कटक में, ठीक है, ओडिशा में, और इसे ओपनिंग, इसकी ओपनिंग सेरेमनी में स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, ये सब कुछ प्रेजेंट थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हैज बिगन विद अ स्पेक्टेक्युलर ओपनिंग सेरेमनी एट अ पिचेस क्यू बारावती स्टेडियम इन कटक, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, ओडिशा, है ना। अच्छा, यहाँ पर फोटो आप देखिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको नवीन पटनायक जी दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये FIH ओडिशा हॉकी का क्या है दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी है। अच्छा, आगे चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। आसाम टू सेलिब्रेट मोंगीत फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक कल्चर एंड फूड। तो यहाँ पर फेस्टिवल का बात है, इंपॉर्टेंट है, क्या कौन सा फेस्टिवल है, मोंगीत, क्या मोंगीत फेस्टिवल यहाँ पर किसके लिए, कौन से स्टेट के लिए, असम के लिए, है ना। तो मोंगीत फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक पोएट्री आर्ट क्राफ्ट फूड और कलरी टेक्निक्स इंडिजीनियस हर्ब्स एंड कल्चर सेलिब्रेटेड इन मजोली असम। द मोंगीत फेस्टिवल स्टार्टेड इन द ईयर 2020 एज अ मोमेंट ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड इट एम्स टू नर्चर द अपकमिंग म्यूजिकल टैलेंट ऑफ असम। इट वॉज स्टार्टेड बाय एक्टर आदिल हुसैन एंड कौशिक नाथ एज एक्टर डायरेक्टर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मोंगीत फेस्टिवल कौन से स्टेट के लिए है, ध्यान रखना असम के लिए, असम से रिलेटेड इसका गवर्नर, ठीक है, इनके सीएम, इन सभी का नाम आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो जैसे जैसे करंट अफेयर साथ में लेके चल रहे हैं तो हमें स्टैटिक्स भी अपने साथ लेकर चलनी होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कौन सा स्टेट का ये फेस्टिवल है, तो ये हो जाएगा आपका असम का, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। India's first center of excellence is online gaming is set up in Shillong. ठीक है, Digital India Startup Hub through the Software Technology Parks of India shall set up in India's first center of excellence in online gaming at Shillong. This was announced by Minister of State for Electronics and Information Technology and Skill Development and Entrepreneurship Rajiv Chandrasekhar at a function of Meghalaya Capital. Right? तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, कौन से आपके सेक्टर में, ऑनलाइन गेमिंग में, किसमें, ऑनलाइन गेमिंग में सेट होने जा रहा है कहां पर, शिलोंग में, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट आपका जगह पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में,
और यहाँ पर करीब 50,000 यूथ रहेंगे दोस्तों, जो उसमें क्या करे जाएंगे, ट्रेन किए जाएंगे और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर की जाएगी दोस्तों, बेसिकली बनाई जाएगी कि वो जॉब भी यहाँ पर इस सेक्टर में ले सके। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेट अप, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका शिलोंग। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर, और न्यूज नंबर 9 यहाँ पर हमें क्या बोलती है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों डेप्रिशिएट हो चुका है और आ चुका है 561.583 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है दोस्तों, देखिए हर कंट्री का अपना फॉरेक्स रिजर्व होता है जिसमें पांच करेंसी जो होती है, पांच मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी का बास्केट होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका करेंसी बास्केट। ठीक है, तो हमारे आरबीआई के पास भी फॉरेक्स रिजर्व है और फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि जब हम दोस्तों इम्पोर्ट करते हैं या फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मोस्टली जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं चीजें इंडिया से ही, कुछ बाहर की कंट्री से इंडिया में कुछ ला रहे हैं, तो पैसे बाहर जाते हैं, वो पैसा इंडियन रुपी नहीं जाता है उस, या तो सबसे ज्यादा देखो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी कौन सी होती है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड है डॉलर, राइट। तो डॉलर हुआ, येन हुआ, जापानीज रेड आपका चाइनीज रेनमिनबी हुआ, जापानीज येन हुआ, स्टर्लिंग पॉन्ड हुआ, ये सब का बास्केट बनता है, राइट। तो जब फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएंगे तो हम कम ट्रेड कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व का बने रहना, स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन रुपी के दोस्तों वैल्यू पर भी क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, राइट। तो यहाँ पर बुरी खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 1.268 बिलियन से 561.583 बिलियन क्या कर चुका है, गिर चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ी मुश्किलों वाली बात है और आने वाले टाइम में इसे सुधार किया जाएगा, ऐसा कहना है आरबीआई का। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है, डिजिट पर क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा आप इस पर फोकस करेंगे और फॉरेक्स रिजर्व का मतलब जानेंगे, है ना, सबसे बड़ी बात। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि हमारे आज के सेशन का दोस्तों लास्ट यहाँ पर न्यूज रहेगा, न्यूज नंबर 10। सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट, तो सहर्ष वॉज लॉन्च इन 40 स्कूल्स ऑफ द स्टेट ऑन अ पायलट बेसिस इन ऑगस्ट लास्ट ईयर एंड द ईयर इट विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन त्रिपुरा एंड सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी। A special program which was found to be effective in social economic development research of studies of Harvard, Columbia universities is being contextualized with local realities in India before giving implemented in Tripura. तो यहाँ पर दोस्तों सहर्ष, ठीक है, सहर्ष एक pilot project है जो कि start हुआ था last year August में, और यहाँ पर अब सारे government schools और government aided schools में ये कंसेप्ट लाया जाएगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो याद रखिएगा त्रिपुरा के द्वारा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है आपका कि कौन से स्टेट पर यहाँ पर ऐसा हुआ है, कौन सी 40 स्कूल में ये लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पर और अब सारे गवर्नमेंट स्कूल में एक्सटेंड किया जाएगा सहर्ष प्रोग्राम, करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, त्रिपुरा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन, आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स रिलेटिव ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।